रहा हूँ बस एक बार फिर हाजिर है लाइव टीवी से, जहाँ हमारे एमपीओ पाकिस्तान के जो कि 24 तारीख को बलदियाती इलेक्शन में खड़े हुए हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन और मुंसरत, उनको वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले वेलकम कहता हूँ साथ देसवाल साहब आपको भी हमारे एक लाइव टीवी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे साथ ही तशरीफ फरमाए सैयद असगर अली शाह, आपको भी वेलकम कहता हूँ। उसके साथ साथ जो कि जनरल कौंसल की शिफ्ट में खड़े हुए हैं हमारे इकराम बख्श साहब, उनको वेलकम कहता हूँ। हरवीश जो कि सरगर्म कारकुन है और खामोश कारकुन है, बहुत आला काम करते हैं, आपको भी वेलकम कहता हूँ रवी साहब। चलते हैं बगैर ताखिर के व्यूअर्स और देखते हैं कि ये हमारे ऑफिस आए और क्या अजम लेके आए और क्या करना चाहते हैं। चलते बगैर ताखिर सबसे पहले चलते हैं हमारे हरदिल अजीज साद खान देसवाली की तरफ, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस आवाम से। जी सबसे पहले तो हॉस्टल लाइव टीवी का बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ पर मौजूद किया, और मैं इंजीनियर साद देसवाली खान यूसी 134 मथुरा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानब से नामजद चेयरमैन के उम्मीदवार की हैसियत से इस इलाके में मुंतखब हुआ हूँ। इसके साथ ही 24 जुलाई का जो इलेक्शन है, इलेक्शन तो इससे पहले भी माजी में कई हुए हैं और अलहमदिल्ला हर इलेक्शन में हमारे जवान ने कंटेस्ट किया है और अहले इलाका अहले मोहल्ला की जानब से एक अच्छी जो है वो मुतासर खुद मोहब्बत मुझे नज़र आई। उसकी भी एक वजह यह कि मैंने अपने आप को इंगेज रखा है सारा साल लोगों के साथ, इलाके में मसले मसाइल में इशूज़ में जो भी माजी में इशूज आए और भी हालिया जो भी हैस्कूल के इशूज़ थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर पाए। आपके सामने ये चीज़ें इराक के मामला रिजॉल्व हुए, दीगर वार्ड्स में एक चीज़ रिजॉल्व हुए। इसके साथ साथ थोड़ा सा सलीम भाई, माजी में भी हमने इस इलाके में तरक्याती काम करवाए और बिल्कुल हम करवा के देते हैं। ये मेन रोड उसकी तामीर है, जहाँ मैं बैठा हूँ इस आते के बैक साइड वाला एरिया है, ये पेवर करवाओ, ये तमाम चीज़ें हमारे तो मुंतखब लोग नुमाइंदे करवाते हैं और उससे इंगेज हम करते हैं। ज़ाहिर हम टाउन के भी जिम्मेदार हैं तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसको नेगोशिएशन करना, उसमें हमारा किरदार होता है। तो हमारी जमात या हमारे लोग अकबर पैनल के जो अरकान इस इलाके में लोगों ने मुंतखब किए हैं या जिन्हें टिकट मिले हैं तो इंशाल्लाह आगे भी आगे काम करेंगे, क्योंकि काम का जज्बा हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से है। ऐसी बात नहीं है कि हम काम में अपने आप को जो है वो लूज छोड़ दें, जितना भी हमसे होता है कोशिश जरूर है कि हम लोग काम करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि कहीं कोई अगर चीज सही नहीं है या कोई इशू सिवरेज का है या एक्स वाई जेड, तो क्या आपको खुशी नसीब होगी या खुश होंगे कि यार इलाका बेहतर नहीं है तो ये अच्छी बात है? ऐसा नहीं है, बाज़ जगह पर कुछ चीज़ें आपके हाथ से हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। तो इंशाल्लाह आप यकीन के साथ में ये बात कह नहीं सकते, इंशाल्लाह 24 जुलाई को जो होने वाला इलेक्शन है उसमें अहले इलाके की आवाम जो है अपने रिवायती निशान बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं और इंशाल्लाह आने वाले 24 जुलाई के इंतखाबात में सुबह 8 बजे से पतंग के निशान पर वो माहौल लगा के इंशाल्लाह उम्मीदवार को कामयाब कराएंगे। आपने सुना और देखा कि साद साहब अपने इस अजम के साथ आए कि आवाम की खिदमत करनी है। चलते हैं जो कि वाइस चेयरमैन है हमारे सैयद असगर अली शाह साहब के पास चलते हैं और राय लेते हैं उनकी कि क्या करने का अजम है और क्या करना चाहेंगे। चलते हैं बगैर दाखिल के सैयद असगर अली शाह साहब। मौका दिया और बात करने का और मैं तो हमारे जानी पहचानी शख्सियत है और साथ में हमारे यूसी 134 के चेयरमैन है वाइस चेयरमैन सैयद असगर अली शाह, एमपीओ पाकिस्तान से हमारा इंतखाब निशान पतंग। तो मैं चाहूँगा कि हम चाहेंगे कि पतंग को इंशाल्लाह जितवाते आए सारी ज़िंदगी और अब भी आप 24 जुलाई को इंशाल्लाह पतंग को बढ़ देकर कामयाब बनाएंगे। आपके दरमियान रहने वाले एमपीओ पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने सुना शाह साहब को और देखा दो अल्फाजों में कह गए अपने सारे जज्बात के बाद चलते हैं मगर ताखिर के जो कि ग्राम पक्ष इससे इलाके की जानी मानी शख्सियत है बरादरी के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अर्से काम कर रहे हैं। चलते हैं उनके पास पूछते हैं कि क्या आज़म लेके आए हैं हमारे। जी मैं मोहम्मद राम एमपीओ पाकिस्तान से खड़ा हूँ। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा 24 तारीख को पतंग के निशान को वोट लगाकर हमें कामयाब करें। आगरा भाई, माजी में भी जब आप पावर में नहीं थे, जब आप वो काउंसलर या चेयरमैन के लिए नहीं खड़े होते हैं, उसके बावजूद लोग आपके पास जाते हैं, तो जब पावर में होंगे तो क्या करना चाहेंगे?
इंशाल्लाह हमने पहले भी जो जो हमारे पास कह रहे थे जब भी हमने काम करा और अभी इंशाल्लाह हम कह रहे हैं तो जब भी काम कराएंगे और इंशाल्लाह काम कराते रहेंगे। बस बात तो हो गई है बात की और सबके ख्याल भी हमने रिकॉर्ड किए हैं एचपी लाइव टीवी हमेशा उन्हीं इशूज को और उसी इशूज के साथ प्रोग्राम लाता है और दिखाता है जो आपको इससे रिलेटिव हो या आप पसंद करना चाहती है। आपने देखा आप भी आ सकते हैं हमारे एचपी लाइव टीवी और अपना मैसेज रिकॉर्ड करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा जो ऑफिस आपके लिए हाजिर है चाहे वो किसी भी जमात से हो आए हमारे एचपी लाइव टीवी और अपनी आवाज़ पहुँचाएँ आवाम तक। आप तमाम लोगों का और शुक्रगुजार हूँ साथ है आपका शाहब आपका इकराम साहब आपका और रमीज भाई आपका। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा आपका मैं था आपका अपना सलीम एच पी लाइव टीवी से कैमरामैन हमजा खान के साथ अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।